हेलो फ्रेंड्स, मैं मानसी मौर्य एंड नाउ वी आर वाचिंग m.m एजुकेशन यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हम कुछ MCQs देखने जा रहे हैं, किसके TGT, PGT, LT ग्रेड, CSIR, नेट, GRF के, बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस के। और जैसा कि आपको पता है कि आपके सिलेबस में है भाई क्लासिफिकेशंस एंड माइक्रोबायोलॉजी, तो उसमें से हम क्लासिफिकेशंस के कुछ MCQs देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यार काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो यार, आप एज वी नो आपका एग्ज़ाम भी काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है, तो यार उसी हिसाब से सारी चीज़ें आप देखिएगा, सुनिएगा और बातें दिमाग में रखिएगा। ओके, तो देखते हैं कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। और भाई, आपको तो पता ही है कि आपका TGT PGT का एग्ज़ाम काफ़ी ज़्यादा नज़दीक आ चुका है, तो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ MCQ हैं जो कि मैंने अलग किए हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने के चांसेस हैं। ओके, तो देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हु, ये कहाँ से, मतलब ये देखिए, मैंने सारा सब कुछ कैटेगराइज कर दिया है। तो अभी हम कहाँ से देख रहे हैं क्वेश्चंस? क्लासिफिकेशन से देखेंगे, देन वायरस से कुछ MCQ देखेंगे, देन बैक्टीरिया से कुछ MCQ देखेंगे। तो ऐसे करके आपके सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे, मतलब हर टॉपिक से सारे MCQ कवर हो जाएंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने के चांसेस हैं। ओके, तो ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका क्या क्वेश्चन है? हु पब्लिश जेनरा प्लांटेरम, जो कि कब से कब तक के बीच में पब्लिश किया गया है? 1862 से 1883। ओके, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होता है? बेंथम एंड हुकर, इन्होंने आपका जेनरा प्लांटेरम को पब्लिश किया था, प्रकाशित किया था। कौन? बेंथम एंड हुकर ने। तो याद रखिएगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, देखते हैं। ओके, जेनरा प्लांटेरम किसके द्वारा लिखित है? तो भाई वही बात है, बेंथम एंड हुकर, वही क्वेश्चन आपसे घुमा के पूछा गया है। सी बेंथम एंड हुकर, तो ये सारी चीज़ें तो भाई कॉमन है, आपसे एग्जाम, आपके एग्जाम में आपसे ऐसा क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछा जाएगा, आपको आंसर देना होगा। ओके, यहाँ पे पूछा गया है फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में। फाइव किंगडम, अकॉर्डिंग टू फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन प्रोटोजोआ आर प्लेस्ड इन, तो यार आपको पता है कि प्रोटोजोआ भाई कहाँ रखा गया है फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में? ऑब्वियसली प्रोटिस्टा में रखा गया है ना, है ना? हाँ हाँ जी, ये बातें आपको पता होनी चाहिए। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, अच्छा फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिया किसने था, इसे आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। अभी आगे वैसे ये क्वेश्चन आने वाला है, आगे आपको वैसे भी पता चल जाएगा, लेकिन हाँ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अभी तुरंत लिख के आइए कि फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था। और तो और, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन कब दिया गया था? तो मैं आपको बता दूँ, 1969 में फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया था। और दूसरी बात मैं आपसे करूं तो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में ये यहाँ पे क्या क्या है, तो याद रखिएगा भाई। वैसे ये सारी बातें काफ़ी ज़्यादा कॉमन है, लेकिन हाँ आपके एग्ज़ाम एकदम आपके सर पे हैं, तो सारी चीज़ें हल्की हल्की रिवाइज होती चलेगी तो अच्छा होगा। तो यहाँ पे फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या है? एज वी नो मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, फंजाई है, प्लांटी है एंड एनिमिलिया है। तो यहाँ पे ये जो प्रोटिस्टा है इसमें क्या है भाई, यहाँ पे आप जो देख रहे हो प्रोटिस्टा, तो यहाँ पे क्या, प्रोटिस्टा में प्रोटोजोआ है। तो आपको पता ही है कि यहाँ पे क्या होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो हाँ जी बिल्कुल, एज सिंपल एज दैट, यूनिसेलुलर ही है। और यहाँ पे क्या देखते हैं आप, ऑल ऑर्गेनिज्म वर क्लासिफाइड इनटू एट किंगडम ऑफ टू एम्पायर बाई, यहाँ पे हिंदी में भी है, जिन्हें दिक्कत हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है भाई, वो हिंदी में भी देखते चलें। सभी जीवों के दो एम्पायर्स के आठ जगतों में किसने वर्गीकृत किया है? देखिए यहाँ पे ये पूछा जा रहा है किसने भाई, कौन है? ओके, तो यहाँ पे क्या देख रहे हो आप, आर एच विटेकर तो है नहीं, आर एच विटेकर क्या दिए थे? ओके, तो वो तो आप पीछे भी देख के आ रहे हो, आपको पता ही होगा भाई, काफ़ी कॉमन कॉमन सी चीज़ें हैं। यहाँ पे आप जो देख रहे हो एट किंगडम जो ये क्लासिफाइड किया गया है टू एम्पायर्स में, आखिर इसमें है क्या क्या? हाँ, हालांकि कैवेलियर एंड स्मिथ ने दिया ये बातें तो ठीक, लेकिन यहाँ पे जो आप देख रहे हो ये जो दो एम्पायर हैं, जो दो एम्पायर्स हैं, आखिर ये हैं कौन कौन से? अगर आपसे खुदा ना खास्ता पूछ लिया जाता है, तो ऐसा तो है नहीं कि बस यही पूछा जाएगा, ये भी पूछा जा सकता है आपके एग्ज़ाम में, है ना? तो यहाँ पे आप याद रखिएगा, दो बातें लिख लीजिए भाई, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। अच्छा, आपने ये बातें काफ़ी ज़्यादा सुनी हैं, आप पढ़े भी हो ये सारी चीज़ें। हाँ भाई, डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक ये वो, यूकैरियोटिक ये वो, मतलब काफ़ी सारी बातें आपने पढ़ रखी हैं।
और प्रोकैरियोटिक सेल यूके, मतलब आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो भाई, प्रोकैरियोटिक सेल यूकैरियोटिक सेल, डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल यूकैरियोटिक सेल। लेकिन यहाँ पे ये जो कुछ बातें आपको देखने के लिए मिली, ये जो टू एम्पायर्स हैं ये कौन कौन से हो सकते हैं, तो याद रखिएगा प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। ओके, तो याद रखिएगा यहाँ पे। हाँ, दो बातें पूछी गई हैं, दो दो नहीं मतलब एक ही पूछी गई है, बॉर्डर लाइन केसेस बिटवीन स्पीसीज एंड सब स्पीसीज आर कॉल्ड। तो यहाँ पे आपको कुछ बातें समझ में आती हैं, सबलिंग स्पीसीज, अच्छा हिंदी में भी देख लीजिए इसे, अच्छा ये जो जाति और उपजाति, यहाँ पे बहुत कॉमन सी चीज़ है भाई, एकदम मतलब समझने वाली चीज़ है, जाति व उपजाति के बीच की कोटि या फिर श्रेणी कह लो को हम क्या कहते हैं, हिंदी में भी देखते चलिएगा जिसे दिक्कत हो रही हो, तो उसे हम सेमी स्पीसीज बोलेंगे, एज सिंपल एज दैट, अर्ध जाति बोलेंगे। ओके, आगे चलते हैं। तो यहाँ पे फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी लीनियस है, हाँ जी। ओके, एंड टैक्सोनॉमी शब्द को किसने खोजा था, द टर्म टैक्सोनॉमी वॉज क्वाइन बाई। तो याद रखिएगा यहाँ पे आपके जो ये टैक्सोनॉमी वर्ड दिया गया था किसने दिया था, डी कंडोले ने दिया था, किसने, डी कंडोले ने दिया था। ओके, और यहाँ पे विच इज़ नॉट अ कैटेगरी, यहाँ पे आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, विच इज़ नॉट अ कैटेगरी। तो यहाँ पे मैं आपको एक अच्छा सा मतलब ये बताऊँ कि जैसा कि ये कैटेगरी नहीं है, जीनस एक कैटेगरी है, स्पीसीज एक कैटेगरी है, ऑर्डर एक कैटेगरी है ना, लेकिन इको टाइप एक कैटेगरी नहीं है। अच्छा, ये इको टाइप है क्या फिर, अगर कैटेगरी नहीं है तो हिंदी में भी देख लीजिएगा, कौन एक संवर्ग नहीं है, संवर्ग मीन्स कैटेगरी नहीं है, जैसा कि आप देख रहे हो एक स्पीसीज क्या होती है भाई, एक कैटेगरी होती है कि इसे कैटेगराइज, जैसा कि हम कहते हैं हाँ भाई ये फाइलम है, तो हम थोड़ा कैटेगराइज करके चलते हैं, है ना, जैसा कि आप एरिया देख लीजिए, मतलब हर जगह चैप्टर यूनिट, ये जो आपके चैप्टर्स हैं यूनिट में कैटेगराइज किए जाते हैं, तो मतलब हर जगह कैटेगरी देखने के लिए मिलती है, कैटेगराइज किया जाता है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको देख के समझ में आ रहा होगा, स्पीसीज जो है एक कैटेगरी है भाई, जीनस एक कैटेगरी है, ऑर्डर एक कैटेगरी है, लेकिन इको टाइप की बात की जाए तो इको टाइप कैटेगरी नहीं है, तो इको टाइप है क्या। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है कि एक मतलब कि पर्टिकुलर प्लेस पे कुछ जो जनसंख्या होती है, जो आप ऐसे एकदम सिंपल वर्ड में समझिए, एक विशेष स्थान में रहने वाले कुछ स्थानीय जनसंख्या को हम क्या बोल सकते हैं, इकोटाइप बोल सकते हैं। ओके, क्लियर, आगे चलते हैं। द राइटर ऑफ द फैमिलीज ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स इज, द फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के लेखक कौन है, ये एक बुक है द फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, तो इसके लेखक कौन है, इसके राइटर कौन है। ओके, तो इसके राइटर हैं हचिन्स, इसके राइटर्स कौन हैं, हचिन्स। तो ये जो ये आपकी बुक है द फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, ओके, तो इसमें है क्या, तो यहाँ पे इन्होंने ये जो बुक लिखी है हचिन्स साहब ने, तो यहाँ पे ये जो मतलब बुक दी है इन्होंने प्लांट्स के कुछ क्लासिफिकेशन और फाइटोजेनेटिक सिस्टम की जानकारी दी है इस बुक में। ओके, इस बुक में क्या बताया गया, प्लांट्स का क्लासिफिकेशन और फाइटोजेनेटिक सिस्टम की कुछ बातें बताई गई हैं इस बुक में, वैसे पढ़ी तो मैंने भी नहीं है। ओके, लेकिन हाँ इतनी जानकारी है कि भाई हाँ इस बुक में क्या बताया गया। ओके, तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, हिंदी में पढ़ती हूँ। ओके, अच्छा, लीनियस ने द्विनामकरण की विचारधारा सर्वप्रथम प्रकाशित की, लीनियस पब्लिश्ड हिज कॉन्सेप्ट ऑफ बाइनोमल नोमेनक्लेचर फर्स्ट इन, तो इन्होंने ये बाइनोमल नोमेनक्लेचर फर्स्ट ऑफ ऑल पब्लिश की थी सिस्टम नेचर में। ओके, एंड सेकेंड, वही द्विनाम पद्धति का प्रतिपादन किसने किया था, आप पहले भी देख चुके हैं, आपको पता भी होगी ये सारी बातें, कौन, लीनियस। ओके, कौन, लीनियस, द्विनामकरण पद्धति आप पहले से ही भी पढ़ के आ रहे होगे मतलब। ओके, और यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है, सोलेनम ट्यूबरोसम का जेनेरिक नाम, जेनेरिक नेम ऑफ सोलेनियम ट्यूबरोसम। ओके, तो ये इसका जेनेरिक नाम क्या है भाई, ए सोलेनम, इसका जेनरिक नाम क्या है, सोलेनम, सोलेनम ट्यूबेरिसम, ये किसका बोटेनिकल नेम है भाई, आलू का, बोटेनिकल नेम ऑफ आलू मतलब पोटैटो भाई, बोटेनिकल नेम ऑफ पोटैटो, थोड़ा माइंड मत करिएगा, बोटेनिकल नेम ऑफ आलू। ओके, तो स्पीसीज शब्द का चयन किया किसने, द वर्ड स्पीसीज वॉज क्वाइंड बाई, द वर्ड स्पीसीज वॉज क्वाइंड बाई जॉन रे। ओके, द वर्ड स्पीसीज वॉज
क्वाइन बाय जॉन रे। तो ध्यान रखिएगा ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में भाई पूछे जा सकते हैं। देखो मैं बार बार बोलती हूँ कि यहाँ पे ये जो आपको क्वेश्चंस देखने के लिए मिल रहे हैं ये कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस हैं। कुछ यहाँ पे मैं आपको की पॉइंट्स भी बता रही हूँ। ओके तो ध्यान से सुनिएगा। वनस्पति शास्त्र, बॉटनी, फादर ऑफ बॉटनी कौन है? फादर ऑफ बॉटनी ये तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो भाई, थियोफ्रेस्टस। कौन? थियोफ्रेस्टस, फादर ऑफ बॉटनी। ओके अच्छा, जोलॉजी का आप कमेंट बॉक्स में बताइए, जोलॉजी के फादर कौन है? फादर ऑफ जोलॉजी। ओके कौन है? आगे देखते हैं, वनस्पति पौधों के नाम लैटिन में इसलिए रखे जाते हैं क्यों? बॉटनिस्ट नेम प्लांट्स इन लैटिन सो एज टू, इसलिए रखे जाते हैं कि ये अंतर्राष्ट्रीय समानता को बनाए रखना चाहते हैं, अचीव इंटरनेशनल यूनिफॉर्मिटी, मतलब कि सारी चीज़ें समान हो, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे समानता दिखनी चाहिए, इसलिए वनस्पति शास्त्री पौधों के नाम को लैटिन में लिखते हैं। ओके रखते हैं, लिखते हैं, बातें की है। वही क्वेश्चन दोबारा आ रहा है। यहाँ पे क्या देखते हैं, द टाइप स्पेसिमैन यूज बाई द ऑथर फॉर डिस्क्राइबिंग ए प्लांट फॉर द फर्स्ट टाइम इज नोन एज। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होता है, होलोटाइप। होलोटाइप एक पादप का वर्णन करते समय लेखक द्वारा पहली बार प्रयोग किया जाने वाला नमूना क्या कहलाता है? होलोटाइप कहलाता है। मतलब जो एक्सपेरिमेंट के लिए फर्स्ट लेते हैं, फर्स्ट नमूना जिसे आप बोल रहे हैं, फर्स्ट स्पेसिमैन, उसे क्या बोलते हैं? होलोटाइप बोलते हैं। ओके वन स्पीसीज नेम एग्जैक्टली रिपीट जेनरिक नेम इट इज़ नोन एज, तो इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं टॉटोनिम। इसे हम क्या बोलते हैं? टॉटोनिम बोलते हैं। यहाँ पे जाति का नाम, वंश का नाम मतलब कि स्पीसीज का नाम और जेनरिक नेम, और स्पीसीज नेम दोनों एग्जैक्ट होते हैं, दोनों सेम होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? टॉटोनिम बोलते हैं। वापस से बातें सुन लीजिए, टॉटोनिम हम किसे बोलते हैं? जहाँ पे जेनरिक नेम एंड स्पीसीज नेम बोथ आर सेम, दैट्स कॉल्ड टॉटोनिम। ओके एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक वनस्पति नाम जिसमें वंश नाम पूर्ण रूप से जाति संकेत पद को दोहराता हो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं टॉटोनिम। एंड क्वेश्चन नंबर 20, यहाँ पे आप देख रहे हो, ए बोटेनिकल नेम इज इन विच स्पीसीज इफ द रिपीट्स एग्जैक्टली द जेनरिक नेम। देखिए जो आप मतलब अभी अभी 19 नंबर पे क्वेश्चन देख के आ रहे हो वही क्वेश्चन आपसे फिर से पूछा गया है कि भाई जहाँ पे जेनरिक नेम एंड स्पीसीज नेम बोथ आर सेम वहाँ पे उसे हम क्या बोलते हैं? टॉटोनिम बोलते हैं। वही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा घुमा के पूछा गया है, तो बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, जब मूल टाइप सामग्री अनुपलब्ध हो, मतलब कि प्रेजेंट ना हो, ओके तो इस कार्य हेतु टाइप इलाके से एकत्रित एक नमूने को चुना जाता है या क्या कहलाता है? ओके तो इसे हम क्या बोलते हैं? सिन टाइप। व्हेन द ओरिजिनल टाइप मटेरियल इज नॉट अवेलेबल एंड द स्पेसिमेन कलेक्टेड फॉर टाइप लोकेलिटी इज चूजन टू सर्व एज टाइप इट इज कॉल्ड सिन टाइप। ओके क्या बोलते हैं? सिन टाइप। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, और यहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। देखिए ये सारे क्वेश्चन क्लासिफिकेशन से ही हैं और मतलब डाइवर्ट मत होइएगा कि कहाँ से कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, सारे क्वेश्चन क्लासिफिकेशन से ही हैं। मैं आपको बार बार बोल देती हूँ क्लासिफिकेशन से ही हैं, और ये मतलब क्लासिफिकेशन से जितने सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं वही सारे क्वेश्चन हैं, फालतू के क्वेश्चन नहीं हैं यहाँ पे, तो इसे इग्नोर करने की कोशिश मत करिएगा। ओके कि हाँ ये उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है नहीं। ओके इस कथन आइसो मतलब यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट दिया गया है, आइसोटाइप एक ही स्थान तथा एक ही तिथि के एक ही संग्रह से लिया गया एक्स का एक दिक् प्रतिदर्श है होता है में एक्स किसके लिए लिखा गया है? ओके होलोटाइप के लिए लिखा गया है। किसके लिए लिखा गया? होलोटाइप के लिए लिखा गया। ओके एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 23 नंबर, वर्गीकरण की बेंथम एवं हुकर पद्धति। ऑब्वियसली आपको पता ही, आप पिछले मतलब पीछे क्वेश्चंस में देख के आ, बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज, ये क्या है? एक नेचुरल सिस्टम है भाई, एक नेचुरल सिस्टम है, एक प्राकृतिक पद्धति है जो बेंथम एंड हुकर ने इसे क्लासिफिकेशन अपना दिया था, वो क्या? एक नेचुरल सिस्टम है, नेचुरल पद्धति है। आगे देखते हैं,
बेंथम तथा हुकर द्वारा दिया गया वर्गीकरण है। फिर से वही चीजें आ रही हैं भाई, नेचुरल है, प्राकृतिक है एकदम से। ओके, ए नंबर था भाई, आप देख लीजिए, ऑप्शन ऑप्शन ए था। ओके, एंड यहाँ पे आगे क्वेश्चन देखते हैं। बेंथम और हुकर द्वारा प्रस्तावित वर्गीकरण पद्धति है, फिर से वही चीजें हैं आपके पास, प्राकृतिक है, नेचुरल है। ओके, ये क्वेश्चन मतलब आप ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। ओके, एंड 26 नंबर पे बेंथम एंड हुकर की वर्गीकरण पद्धति में कुल कितनी सीरीज हैं, यहाँ पे थोड़ा अलग क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट भी है, सो ध्यान से सुनिएगा और याद भी रखिएगा। तो याद रखिएगा, टोटल नंबर ऑफ सीरीज इन बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, तो याद रखिएगा 21। कितने भाई, कितने, 21। ओके, एंड 27 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन भाई किसने दिया था, हु सजेस्टेड फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, बताइए आप जरा, आप पीछे लिख के भी आए हो, विटेकर, आर एच विटेकर। ओके, आर एच विटेकर, याद रखिएगा आप, मे भी कमेंट बॉक्स में लिख के आओ। मैंने आपसे पहले भी बोला था भाई कि फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन को किसने क्लासिफाइड किया था, आप बताइए जरा, तो आप लिखे होगे कमेंट बॉक्स में, आर एच विटेकर। वर्गीकरण क्लासिफिकेशन, ओके, द लोएस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी इन द यूनिवर्सल यूजेस, तो यहाँ पे सबसे छोटी इकाई क्या हो सकती है, सबसे छोटी श्रेणी क्या हो सकती है, आप बताइए जरा, स्पीसीज। ओके, देखिए आप जरा ध्यान दीजिए, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आता है, स्पीसीज आता है। ओके, देन क्या आता है, जीनस आता है। मैं लिख देती हूँ, आप सारा ध्यान रखिएगा, मे बी आपको पता ही हो, और अगर पता है तो भाई बहुत ही अच्छी बात है, मे बी वैसे आपको पता ही होगा, क्योंकि भाई आप प्रिपरेशन किसकी कर रहे हो, ऑर्डर, देन क्लास, देन फाइलम। ओके, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। फाइलम के बाद किंगडम। ओके, सारे एकदम मतलब सिस्टम सिस्टमेटिक तरीके से हैं, देन डोमेन। ओके, तो सबसे जो लोएस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है वो क्या है, स्पीसीज है, और यहाँ पे सबसे लार्जेस्ट आप देख सकते हो डोमेन। ओके, तो ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। आगे चलते हैं, स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर इज कॉल्ड, ओके, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इथोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, इथोलॉजी बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, इथोलॉजी बोलते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, ए नंबर पे, ये तो सी है, जिसे आप जंतु व्यवहार अध्ययन को क्या बोलते हैं, इथोलॉजी बोलते हो। यहाँ पे आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है, एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी आप किसे बोलते हो, तो यहाँ पे कीटो, जैसे कि यहाँ पे आप जंतु व्यवहार का अध्ययन कर रहे हो, यहाँ पे आप कीटों का अध्ययन करोगे। ओके, कीटों के अध्ययन को क्या बोलते हैं, एंटोमोलॉजी। और यहाँ पे क्या दिया गया, इथनोबायोलॉजी, इथनोबायोलॉजी में आप क्या देखते हो, इथनोबायोलॉजी में व्यक्तियों मतलब कि लोगों और जीवों तथा वातावरण के बीच का जो संबंध है उसके अध्ययन को क्या बोलते हैं, इथनोबायोलॉजी। फिर से बोल देती हूँ, लोगों और जीवों तथा वातावरण के संबंध को क्या बोलते हैं, इथनोबायोलॉजी। और इकोलॉजी, इकोलॉजी तो भाई आपको पता ही है, जीव तथा वातावरण व जीवों के परस्पर मतलब ये जो इंटरेक्शन है उसके अध्ययन को क्या बोलते हैं, इकोलॉजी बोलते हैं। तो होप है ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, और होप है कि आप अगर दोबारा देखते हो तो आपको आंसर पता होंगे। ओके, और नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखते हैं, यहाँ पे क्लासिफिकेशन खत्म हो गया है, देन अब हम क्या देखते हैं, वायरस, और मतलब क्लासिफिकेशन से जो मोस्ट आईएमपी एमसीक्यूज बन रहे थे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारी चीज़ें हो चुकी हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं वायरस, वायरस के कुछ एमसीक्यूज जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सो यार, आप वीडियो को ज़रूर देखिएगा, नेक्स्ट वीडियो को, और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, आपके एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक हैं, सो यार उसी हिसाब से आप अपना जो मतलब पढ़ाई है उसे वॉर लेवल पे रखिएगा। ओके, अपनी पढ़ाई को वॉर लेवल पे रखिएगा, मैं वापस से बोलती हूँ भाई, मन लगा के पढ़ाई करिए, आपके एग्ज़ाम भाई एकदम नज़दीक हैं। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड इफ़ यू वांट टू मोर वीडियोज, सो फ्रेंड्स लाइक एंड सब्सक्राइब M.M Education YouTube चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। ओके, बाय बाय।